हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे दूसरे वीडियो में। सबसे पहले आपको FSSAI का फुल फॉर्म निकाल लेना है। मैं बता देता हूँ आपको, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट बनता है एक। और दूसरा है गंधक गंधयुक्त एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायता करता है। फास्फोरस कोशिका कला की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। सोडियम पोटेशियम कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। सोडियम और पोटेशियम कोशिका के अंदर जाकर तरल मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करते हैं। लो ऑक्सीजन सम्मेलन एवं हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग है। मैग्नीज द्वारा बसी अम्लों का ऑक्सीकरण किया जाता है। मैग्नीज जो होता है उसके द्वारा बसी अम्लों का ऑक्सीकरण किया जाता है। शरीर की मूल रूपरेखा DNA द्वारा बनाई गई है। हमारा जो शरीर है उसकी मूल रूपरेखा है, जो हमारे दांत, आंख, नाक, कान, मुंह, सब कुछ DNA द्वारा बनाया गया है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये आप लोग ध्यान रख लें, गलत करके नहीं आए। विटामिन्स ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखना है। ऊर्जा संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ऊर्जा संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। विटामिन शब्द फंग ने दिया था, केसीमर फंग, इसमें फंग लिखा थोड़ी वो मिस्टेक हो गई है कि इसमें फंग ने दिया था, या फंग लिख किया जाए तो आपको फंग भी लगा। विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन जो होते हैं उनको रक्षात्मक, यानी कि ये हमारी सेफ्टी करते हैं। और BC जल में घुलनशील विटामिन है। BC जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। और ABDAK जो आप देख रहे हैं, ये ABDEK बसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये चार विटामिन हैं जो बसा में घुलनशील होते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो कि बसाव में घुलनशील हो। विटामिन ए की खुराक को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया है। विटामिन ए की जो खुराक है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण है उसमें शामिल किया। जैसे अभी कोरोना का टीकाकरण चल रहा है उसमें उसको राष्ट्रीय टीकाकरण बोलते हैं, ऐसे ही विटामिन ए को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया। विटामिन AC और ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं एंटीबायोटिक की तरह कार्य करते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। जो विटामिन AC, E हैं जो शरीर को संक्रमण से, संक्रमण मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है संक्रमण से बचाना। विटामिन डी की अधिकता से गुर्दे में पथरी हो जाती है। आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा किसी के गुर्दे में पथरी, किसी के पेट में पथरी होता है, तो ये विटामिन डी की अधिकता से होता है। विटामिन डी किसमें पाया, धूप में पाया जाता है अधिक से अधिक। प्रोटीन शब्द सबसे पहले जे बर्जिलियन ने दिया। प्रोटीन 20 अम्लों से बने होते हैं, 20 अम्ल, ये आ सकता है, चांस इसके देख लेना। कोशिकाएं एवं ऊतक प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिकाएं और ऊतक जो होते हैं वो प्रोटीन के बने। प्रोटीन से शरीर में ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। और प्रोटीन शरीर की मरम्मत भी करते हैं। प्रोटीन से शरीर में ऊर्जा भी मिलती है, मरम्मत भी करते हैं। और ये अगला इसको देखेंगे हम, आहार विज्ञान खाद्य पदार्थों के गुण दोष स्वरूप आदि का विवेचन करने वाला विज्ञान है। आहार विज्ञान है जो खाद्य पदार्थों के गुण दोष, यानी कि जो क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है, उसको वाला विवेचन करने वाला विज्ञान है, जो उसमें कमियां निकालता है। और चयापचय एक ऐसा शब्द है जो कोशिकाओं और जीवित अवस्था बनाए रखने में शामिल है। ओके, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।